अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिला स्तरीय महासभा में जिले भर से किसान पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद की। साथ ही जिला प्रशासन के माध्यम से शासन तक अपनी बात पहुंचाने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। देश का हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे के नारों के साथ भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिला स्तरीय किसान महासभा में राज्य सरकार से 10 सूत्रीय और केंद्र सरकार से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर के किसान मंगलवार को दुर्ग के मानस भवन के सामने पंडाल लगाकर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस अवसर पर संघ के जिला अध्यक्ष लोकेश बंछोर का कहना है कि धान खरीदी की मात्रा प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ किया जाए और राज्य सरकार द्वारा दिसंबर माह में धान खरीदी न कर 1 नवंबर से शुरू करने सहित अन्य मांगों पर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे किसानों से चर्चा कर अपनी जायज मांग के लिए अपनी बात छत्तीसगढ़ सरकार तक पहुँचाई जा सके। इसके साथ ही संघ के पदाधिकारियों ने कृषि क्षेत्र की अघोषित बिजली कटौती बंद कर 24 घंटे उपलब्ध कराने, खाद की कालाबाजारी नियंत्रित कर किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने व बंटवारा नामा फौत नामा संबंधी राजस्व प्रकरण को निशुल्क कर प्रकरण का निवारण पंचायत स्तर पर करने का अधिकार दिया जाए। इन्हीं सब बातों की मांग को लेकर आवाज बुलंद की गई है। इस संबंध में न्यूज टीम को संघ के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। की बहुत बड़ी समस्या है। एक तरफ तो शासन के द्वारा कहा जाता है कि 2 फसल उत्पादित करो, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है कि फसल चक्र परिवर्तन करो, दलहन तिलहन लगाओ। लेकिन जब किसान दलहन तिलहन लगाता है और फसल चक्र परिवर्तन करता है, उसके पश्चात किसानों का हाल ये रहता है कि दलहन तिलहन का समर्थन मूल्य मिल नहीं पाता, बहुत कम कीमत मिल पाता है। बिजली कटौती इतनी ज़्यादा है कि अघोषित है, किसान दौड़ दौड़ के परेशान है, पानी की पूर्ति नहीं हो पाती। और बिजली कटौती जो अघोषित है उसका मुख्य समय है शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक। किसान रात को 11 बजे जाएगा, मोटर चालू करेगा और एक कर्मचारी रहता है, उनकी सबकी एक समय सीमा निर्धारित रहती है, किसानों की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस प्रकार से ये सब समस्याएं हैं। और एक मुख्य समस्या है कि हमारा जो फौतनामा और बंटवारा नामा ये सब रहता है, जिसमें आज हर गांव में शहरी क्षेत्र से लगा हुआ जो भी ग्राम है, वहाँ एक मुख्य समस्या चल रही है कि अवैध प्लाटिंग। तो वहाँ रजिस्ट्री हो जाता है तहसील कार्यालय से, प्रमाणीकरण हो जाते हैं तहसील कार्यालय से, समस्याएं रहती है ग्रामों में। तो प्रमाणीकरण जो है वो मूल रूप से ग्राम पंचायत से ही कराया जाए, ये सुविधा रहनी चाहिए कि उसको 2 दरवाजे ना रखे, तहसील कार्यालय से ना हो, तो अवैध प्लाटिंग में रोक लगने का एक बहुत अच्छा माध्यम रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं हैं जिनके बाद इस सभा के माध्यम से हम शासन का ध्यान आकर्षण कराना। अभी तो 2-3 बार से हम देख रहे हैं, कभी बोरा के नाम पर, कभी टोकन के नाम पर, कभी रकबा कटौती, इस प्रकार के मिस्टेक हो रहा है। और इसलिए अपन चाहते हैं कि समय पर बोरा की भी उपलब्धता हो, जैसे पिछले समय किसानों से 25% मांगा गया और उसके एवज में बाजार में जो बोरा 10 रुपये माना चाहिए वो 30-40 रुपये तक हो गया। उसके कारण किसानों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो धान खरीदी हो रही तो उसके लिए बोरा की भी उपलब्धता पर्याप्त हो। अभी ध्यान में आ रहा है बिजली कटौती खूब हो रहा है। अभी मौसम के चलते सरकार कहती कि बिजली बिल हाफ, तो हाफ बिजली आ रहा, तो बिजली बिल हाफ है, तो अपन चाहते कि ये बिजली कटौती अघोषित है, वो बंद होना चाहिए। दूसरा, एक परिवारों में एक देख रहे हैं कि बंटवारा नामा, चाहे आपसी जमीन का बंटवारा हो, खोती उठाना हो, उसको भी रजिस्ट्री करने की बात आ रही है, तो सरकार उसको बंद कराए और निःशुल्क उसमें हो, ताकि जो अधिकारियों का जो लेन देन चल रहा है खोती उठाने के नाम पर, बंटवारा के नाम पर, वो बंद होना चाहिए और निःशुल्क रूप से जैसे पहले होता था पंचायतों में भी ये आपसी बंटवारा हो जाता था, खाता अलग हो जाता था, ये वो करे इस प्रकार का है। दूसरा, अपने प्रमुख मांगे भारतीय किसान संघ की केंद्र सरकार से भी रही है, जिसमें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य तय होना चाहिए और सभी फसलों को जो मूल्य घोषित होता है उसमें खरीदी की व्यवस्था हो। ऐसा नहीं कि कुछ फसल को खरीदे और फिर बाकी का समर्थ खरीदने की व्यवस्था नहीं, बहुत सारी है। इसमें प्रदेश की अलग मांग है, केंद्र सरकार की अलग मांग है, किसानों के साथ जो
शासन का व्यवहार है वो उचित नहीं है, क्योंकि हम पैदा करते हैं 25 कुंटल और गवर्नमेंट ले रही है 15 कुंटल। हम ये चाहते हैं, किसानों की ये मांग है कि हमारे उत्पादन जितना हो रहा है सब का सब वो खरीदे, तब तो किसानों का भलाई होगा। जो 15 कुंटल के बाद जो बचत धान है उसको व्यापारी लोग 1100-1200 रुपये में खरीद रहे हैं, तो किसानों का कहाँ भलाई हो रहा है। ये बहुत सारी मांग है, जिसमें ये प्रमुख मांग हमने बताया। और इसको जो धान खरीदी है वो दिसंबर वगैरह में करते हैं, 1 नवंबर से चालू रखे और पूरे हमारे 6 महीने तक कम से कम रखना चाहिए, 2-3 महीने में काम नहीं चलेगा। पहले तो जब समर्थन मूल्य है उसको पूरे साल भर खरीदते थे व्यापारी, आज शासन की ढीलेपन के कारण आज सिर्फ 2-1 महीने की बात आ रही है। इनको पूरा 1 साल तक खरीदना चाहिए, जब किसान को ज़रूरत पड़े तो बेचेंगे। ये 15 कुंटल के बदले पूरा जो हमारे खेत में जितना उत्पादन हो रहा है सबको शासन को खरीदना चाहिए, ये व्यवस्था बनाइए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।